देखिए मित्र, जो कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है सुरक्षित सीट की, तो आगरा से मैंने तैयारी की है और लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात रखने का। मैंने टिकट मांगी आगरा से। अब रही पार्टी की बात, पार्टी सुप्रीम पावर है, कहां से लड़ाना चाहती है कि नहीं लड़ाना चाहती है तो पार्टी विचार करेगी, पर मैंने तैयारी की है। मैंने जे भी कहा जी, वो भी तैयारी कर रहे हैं आगरा से। हाँ ठीक है, वो तो सिटिंग एमपी है, हम उनके उनसे हमारा कुछ वो नहीं है। बात तो सिर्फ अधिकार, क्योंकि एक एक सीट पे चार चार कैंडिडेट मांगते हैं, तीन तीन चार चार कैंडिडेट मांगते हैं, लेकिन मैंने भी मांगा टिकट। सिटिंग एमपी को फाड़ फेंकना है क्या? नहीं नहीं, फाड़ने की कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ अपना अधिकार मांगा है। ऐसा मेरी भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा लोकसभा से लड़ने की है, और पार्टी भी यहाँ से नहीं लाए कहीं और से व्यवस्था। साहब जिन जिन लोगों ने टिकट मांगा आगरा से, उनका सफाया हो गया? वो फिर चाहे इंद्रजीत आ रहे हो, चाहे पूर्व मेयर हो, एक दो मेयर हो, पार्टी से निकलवा दिए। देखिए सफाया कौन क्या करेगा, किसका करेगा, ये तो मुझे पता नहीं, पर मैं ये जरूर चाहता हूँ कि मैं सजग कार्यकर्ता हूँ, जागरूक कार्यकर्ता हूँ, जनता के प्रति मेरा आज भी लगाव है। मैं 18-20 साल में तो या तो जनता को जनप्रतिनिधि भूल जाता है या जनप्रतिनिधि जनता को भूल जाता है, दोनों में तो एक होता है। मेरी सक्रियता में कहीं कोई कमी है नहीं, और मैंने सिर्फ ये कहा कि मैंने आगरा से तैयारी की है, पार्टी की इच्छा है। पार्टी जी कहेंगे कठिया ये नहीं काम करना, वो करना है, जैसी इच्छा। पहले आपने पार्टी छोड़ी थी, फिर वापस पार्टी में, क्या अगर टिकट ना मिले फिर बाजूरों? दो बातें हैं, पार्टी मैंने टिकट के लिए नहीं छोड़ी थी, वो सब कुछ पता है। अब ये बात यहाँ कहना उचित नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी प्रताड़ना शायद किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं होगी जो मुझे हुई, वो बात बताने लायक नहीं, इस मेरे पत्रों को सबको पता है। अभी बात ये कहने लायक नहीं है, पार्टी मैंने कोई टिकट के लिए नहीं छोड़ी थी, इतनी प्रताड़ना तो सगर उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं होगा। यानी पहले आपको पार्टी प्रताड़ित किया गया था? पार्टी कुछ और मामला था, पार्टी ने प्रताड़ना नहीं की थी,